हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी क्विज शो। और जैसा कि रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि इस शो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद व्हाट वी डू इज सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दोज चैप्टर्स। नाउ लेट मी नो फर्स्ट कि आज यहाँ पे कौन से चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द चैप्टर्स? क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पार्ट 4 एंड दिस डील्स विथ चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चैप्टर 8, 9, 10। सबसे पहले बताइए कितने लोग इसको पढ़ के आए हैं, कितने लोग इसको पढ़ के आए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कितने लोग इसको पढ़ के आए हैं 8, 9, 10? ओके, क्लास 7 ज्योग्राफी आकाश शांगवी लिख रहे हैं, सो आई होप मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे पढ़ के आए होंगे इन तीन चैप्टर्स को, राइट? क्लास 7 के बेसिक्स। तो उसके साथ अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड लेट अस हैव ऑन आवर स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोकन्स आर अ टाइप ऑफ, नो आइडिया। अब जितने लोग पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10, द फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8, इसमें साफ मेंशन है कि टोकन्स, ये जो प्रजाति है ये किसका है, बर्ड्स का है, एनिमल्स का है या फिर फसल का है, टुकन भी इसको कहा जाता है हिंदी में, और ये जो है स्पेसिफिकली कहाँ पे पाया जाता है। हु विल गिव द फर्स्ट करेक्ट आंसर, सबसे पहला सही आंसर। जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस इज अ कॉमन थिंग, इवन दिस इज ऑल्सो अ कॉमन थिंग, तो सबसे पहले इसका सबसे पहला आंसर कौन देगा? सो आई कैन सी यहाँ पे शिखा प्रधान लिख रही है इट इज अ बर्ड, द फर्स्ट आंसर जो आया है इट इज अ बर्ड। सम ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर सी, क्रॉप तो बिल्कुल नहीं है, क्रॉप बिल्कुल नहीं है। इफ यू विल गूगल द इमेज देन यू विल सी कि एक बहुत ही सुंदर बर्ड का प्रजाति है, इट इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड। इसका जो बीक है ना, द बीक, जैसे हॉर्नबिल का बीक बहुत बड़ा होता है, इसका भी बीक इज वेरी ह्यूज ऑफ दिस बर्ड। वाई सो? क्योंकि ये जहां रहता है, कहाँ रहता है ये, बेसिकली एमेजन बेसिन में ये पाया जाता है। ऑल दिस थ्री चैप्टर्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, इसका पार्ट ये बनता है। और ये जो आपका स्पेसिफिक जो बर्ड है जिसको हम लोग टुकन कहते हैं, ये रहता है आपका इन द एमेजन बेसिन, ठीक है। अब एमेजन बेसिन में रहने के वजह से इस बर्ड को आप मान लीजिए बहुत बड़े पेड़ होते हैं जिसमें इसको बीक से निकाल के कीड़ा खाना पड़ेगा या फिर एंट खाना पड़ेगा, सो दैट इज वाई इसको जरूरत है इस टाइप के बीक्स का, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ बर्ड, सो ऑप्शन नंबर ए जो है, अगर हम मार्क कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे मार्क कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर, इट इज अ बर्ड, ठीक है। तो आज नहीं हो पाया आंसर्स, तो नो इश्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मेनियोक क्या चीज है और ये कहाँ पे स्टेपल फूड की तरह खाया जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोगों ने पोटेटो सुना होगा, पोटेटो के जैसा एक और चीज सुना होगा, वो क्या है, स्वीट पोटेटो, सुना है स्वीट पोटेटो। अब ये स्वीट पोटेटो तो नहीं है, बट उसी के जैसा एक स्पीशीज होता है, इट इज सिमिलर टू पोटेटो, दैट इज इट इज एन अंडरग्राउंड यू कैन से स्पीसीज ऑफ क्रॉप, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ के लोग इसे खाते हैं? नाउ अंडरस्टैंड, गंगा बेसिन में तो हम लोगों ने तो मेनियोक नहीं सुना है ज्यादा, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अफ्रीका में आप पानी होना पड़ेगा अंडरग्राउंड, या फिर तभी आप ऐसे चीजों को उगा सकते हो। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, मेनियोक कहाँ पे उगाया जाता है? आई कैन सी यहाँ पे संजू रॉय ने अमेजन लिखा है और भी बहुत सारे लोगों ने अमेजन लिखा है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये अमेजन में पाया जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी दैट इज अमेजन, ठीक है। ओके, कंप्यूटर जी ने यहाँ पे टिक कर दिया, थैंक यू सो मच। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता कौन से रिवर के बगल में आपका लोकेटेड है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन कॉमन है, एसएससी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो इनमें से देख के आपको आंसर बताना है कोलकाता कौन से नदी के किनारे में स्थित है। अच्छा, सबसे पहले सही आंसर यहाँ पे कौन देगा, सबसे पहले द फर्स्ट करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट करेक्ट आंसर।
हुगली, यस वेरी गुड, सभी लोगों ने एक साथ लगातार यहाँ पे आंसर किया है हुगली. सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज हुगली पे आपका कोलकाता स्थित है. अयोध्या याद कीजिए, एसएससी का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अयोध्या किसके तट पे स्थित है, वाराणसी किस किसके तट पे स्थित है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन सिटीज एंड रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स और किसके किनारे पे कौन सा सिटी स्थित है. ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डियोडर्स एंड फीर्स आर अ टाइप ऑफ, डियोदार जो होता है ठीक है, या फिर जिसको आप हिंदी में देवदार का पेड़ कहते हैं, और जो फीर है या फिर जिसको आप फर कहते हैं, वो किसके तट पे स्थित है, वो किसके तट पे स्थित है. ठीक है, सॉरी, वो किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कोनिफेरस, डेसिडियस या फिर श्रब्स. जो तीसरा ऑप्शन है ना श्रब्स वाला, उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, ये तीन कैटेगरीज होते हैं. श्रब्स जो जंगली एकदम छोटा मोटा, जो हर जगह आपके कांटेदार पेड़ उगते हैं. हर्ब्स फॉर एग्जाम्पल तुलसी हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ हर्ब्स. एंड ट्रीज फॉर एग्जाम्पल आपके प्रॉपर जो पेड़ हो गए, दोज आर ट्रीज. ठीक है, तो उसको निकाल दो. टाइप ऑफ फॉरेस्ट जब पूछा जाता है, देन इन दैट केस आपको बताना होता है कि वेदर इट इज योर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर में पाया जाता है, और इट इज अ टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट. इसमें से कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? जहां थोड़ा सा आपका टेम्परेचर कम होता है, या फिर जहां पे बर्फ गिरने के संभावने होते हैं. ठीक है, सो इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर कैन बी स्नोफॉल, देन द ट्री विल मेक इटसेल्फ लाइक दिस, सो दैट इफ द स्नो विल फॉल तो स्नो ऐसे गिर जाएगा, नहीं तो ट्री मर जाएगा. नॉर्मल ट्री में हर जगह स्नो गिर गया तो ट्री तो मर गया ना. सो दैट इज वाई द ट्री विल बी इन द शेप ऑफ अ कोन. और इसमें से देवदार और फिर भी जो है वो भी क्या है? कोनिफेरस. सम ऑफ यू आर राइटिंग डेसिडियस, बस मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग कोनिफेरस, है ना. तो आंसर जो है इसका वो हो जाएगा कोनिफोरेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ये किस तरीके का है? ये कोनिफोरेस है. सिमिलरली पाइन, पाइन भी किस तरीके का है? वो भी आपका कोनिफेरस है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो जितने लोग ए लिख रहे हैं, आप सभी का आंसर यहाँ पे सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? पहाड़ों में, माउंटेन्स में, डेल्टा एरिया में, या फिर अमेजन में? यहाँ पे दो चीजों का उपयोग किया गया है इन दिस वन क्वेश्चन. दैट इज यू ऑल नो बंगाल टाइगर ऑब्वियसली बंगाल में पाया जाएगा. ठीक है, बट द थिंग इज बंगाल जो रीजन है वो कैसा है? सो दिस रीजन इज बींग ड्रेन्ड बाई दी गंगा इधर से, और उधर से आपका ब्रह्मा पुत्र. ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विच इज द सुंदरबन डेल्टा, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. और इस डेल्टा एरिया में आपको मिलता है बंगाल टाइगर, और दूसरा जो मिलता है वो है आपका यहाँ पे जूट का कल्टिवेशन बहुत अच्छा होता है. तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है, दैट इज इन दिस रीजन ये जो नाम आया सुंदरबंस, वो कौन से ट्री के वजह से आया? दैट इज बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्री. तो ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना है. रॉयल बंगाल टाइगर नंबर वन, नंबर टू जूट, नंबर थ्री सुंदरी ट्री के वजह से नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. तीनों पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से यहाँ पे एक बार वाई लिख दीजिए, और उसके साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी दैट इज द डेल्टा रीजन. ठीक है, माउंटेन्स में नहीं, अमेजन वैली में भी नहीं. अमेजन वैली तो बाहर हो गया, वो तो आपका यूएस पहुंच जाओगे, सॉरी आप साउथ अमेरिका पहुंच जाओगे. सो दैट इज वाई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल भागे बिना. ठीक है, तो साथ मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हाँ, समझ में आ गया. ओके, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन, कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे है? असम इज फेमस फॉर सिल्क, है ना, तो यहाँ नहीं है. टेरेस फार्मिंग में, चलो राइस वगैरह उगा लेंगे टेरेस फार्मिंग. सेरिकल्चर नहीं. स्लैंटिंग रूफ, गंगा प्लेन, वाराणसी या फिर फिश. इसमें से कौन है जो सबसे फेमस है आपका फॉर कॉटन टेक्सटाइल? ठीक है, जो सबसे फेमस है दैट इज योर वाराणसी. अब दो के बीच आप कंफ्यूज हो सकते थे, एक गंगा प्लेन्स और दूसरा वाराणसी, राइट?
तो गंगा प्लेन्स में ज्यादातर मैं चावल उगाऊंगी, मैं कॉटन क्यों उगाऊं? सो आई विल रेडर गो फॉर वाराणसी फॉर कॉटन टेक्सटाइल. तो वन के साथ मैं कर देती हूँ यहाँ पे एफ, दैट इज वाराणसी. ठीक है, नेक्स्ट मालोका. अब ये मालोका क्या है, व्हाट इज मालोका? देखिए, जो आपका ब्राजील के आसपास वाला एरिया है, अगेन द अमेजन के आसपास वाला एरिया, वहां पे बारिश होता है. इन केस ऑफ असम ऑल्सो बारिश ज्यादा होता है, इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो पीपल यूज टू मेक, पहले, अभी तो हर कोई बिल्डिंग ही बना रहा है, बट पहले पीपल यूज टू मेक ऐसे टिन, ऊपर टिन लगाते थे. इससे क्या होता है, बारिश ऊपर रुकता नहीं रहेगा, द रेन विल फॉल डाउन. जैसे स्नो गिर जाता था दोनों तरफ से, तो रेन भी ऐसे गिर जाएगा. सिमिलरली जो एमेजन बेसिन है, जो एमेजन बेसिन है, वहां पे भी मान लीजिए आपका कुछ घास वगैरह मिल गया, उसको ऐसे अरेंज कर देंगे. सो दे मेक स्लैंटेड रूफ्स. स्लैंटेड रूफ का फायदा क्या है, बारिश आया, बारिश गिर गया, वहां पे जमा नहीं रहेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? अभी देखो, सीमेंट से आप कुछ भी कर सकते हो, योर विश, बट पहले आपको घरों को अरेंज करना था इस हिसाब से, तो लोग इसको ऐसा बनाते थे. सो मलोका इज बेसिकली स्लैंटिंग रूफ. ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये अगेन अमेजन वाले एरिया में पाया जाता है. तो टू के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मलोका के लिए स्लैंटिंग रूफ्स, दैट इज डी. ठीक है, अब आते हैं हम नंबर थ्री पे, दैट इज पिरान्हा. अब ये पिरान्हा क्या है, कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. आपने कैटफिश देखा है, खाने में तो टेस्टी, अभी तो आई बिकेम वेजिटेरियन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, बट कैटफिश जो होता है, वैसे बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, फॉर सम ऑफ द डिजीजेस, बुखार वगैरह में भी आप इसको खा सकते हो. बट वेन यू ट्राई टू कट इट, उसके कैट के जैसा उसके फेस में कुछ स्पाइक्स होते हैं, और वो जब दस्ता है तो इंसान को फीवर तक हो सकता है. पिराना इज अ फिश जो देखने में, आप इमेज भी देख सकते हो उसका, लोअर पार्ट बाहर आया हुआ है, इट्स अ बिट डरावना काइंड ऑफ अ फिश, एंड इट कैन ऑल्सो ईट फ्लैश, ये मांस तक खाता है. सो दैट इज फिराना, इट इज द टाइप ऑफ अ फिश, बट इट कैन ईट फ्लैश एज वेल. तो थ्री के साथ मैं क्या लगाऊंगी, है तो फिश ही, तो जी लगा देते हैं, है ना, इट इज अ फिश. तो थ्री के साथ जी. अब रहा क्या, सिल्क वर्म. वॉट इज सिल्क वर्म? सिल्क वर्म असम में है, ठीक है, लेकिन असम के साथ एक और जगह एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, सिल्क वर्म इज इन असम एंड बंगाल. ठीक है, पार्ट्स ऑफ बिहार में भी इसके लिए काम किया जाता है, असम एंड पार्ट्स ऑफ बिहार. ओके, लेकिन यहाँ पे एक और मेरे पास बेटर ऑप्शन है, दैट इज काजीरंगा. तो मैं फाइव काजीरंगा के साथ ए असम लगाऊंगी, दिस विल बी बेटर. काजीरंगा के साथ असम आपका बेटर होगा. तो अब मैं फोर के साथ क्या लगाऊं, सिल्क वर्म. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज सेरी कल्चर. क्या हम इसे कहते हैं, सेरी कल्चर. ठीक है, सेरी कल्चर जो कि हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में. सो सेरी कल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म. ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर इज योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेरी कल्चर इज सिल्क वर्म. समझ में आ गया होगा सबको, मेरे साथ साथ इसको सबने सॉल्व कर लिया होगा, एंड दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ आंसर्स. कंप्यूटर जी ने भी सब, हमारे मनीष सर ने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेम आपका हिंदी में भी था, सूती कपड़े के लिए वाराणसी फेमस है. मलोका क्या है, मलोका इज घर जब आपके स्लांटिंग में बने हुए होते हैं. पिरान्या इज अ काइंड ऑफ मछली होता है बेसिकली. रेशम कीट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन, तो हिंदी वालों के लिए यहाँ पे एक वो भी था, चीट कोड भी था. और काजीरंगा इज इन असम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स. अब ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, रिवर मिसिसिपी वैसे तो बहुत सारे जगहों को ड्रेन कर सकता है, बट व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये ग्रासलैंड्स का पार्ट था. ग्रासलैंड्स, फेमस ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह दिस विल बी नीडेड. तो दो मिनट यहाँ पे क्वेश्चन से बाहर आके आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी आंसर्स. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा मैप, बट स्टिल दिस इज यूरोप प्लस एशिया, दैट इज यूरेशिया. दिस इज योर साउथ अफ्रीका एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. इससे ज्यादा मैप तो आपका ईजी नहीं हो सकता है, सिंपल बॉक्स है.
नाउ प्रेरीज पैम्पस मैं एक साथ बोलूंगी, ठीक है? आई विल ऑलवेज से इट टुगेदर, प्रेरीज पैम्पस, ठीक है? बहुत पैम्पर करता है नेचर, आपको बहुत पैम्पर करता है, अमेजन वैली आपको बहुत पैम्पर करता है, ठीक है? सो दिस इज प्रेरीज, दिस इज पैम्पस, हो गया? लानोस इसके साथ लिख दिया मैंने. यूरेशिया में आप एशिया में हो तो आप कदम कदम बढ़ाए जा, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, सो दिस इज स्टेपीज, आप कदम कदम बढ़ा के चल रहे हो, ठीक है? साउथ अफ्रीका इज वेल्स, साउथ अफ्रीका. और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लिखना होगा तो मैं लिख देती हूँ डॉन्स, ठीक है? इज दिस क्लियर? पहले एकदम सिंपल है, ठीक है? अब आते हैं, हाँ बिल्कुल, ये यूपीपीएससी में भी चंदन बिल्कुल पूछा गया था, बट यू सी एकदम यहां से ये क्वेश्चन है, ओके? अब यहां कुछ लोग लिख रहे हैं कनाडा, कुछ लोग लिख रहे हैं यूएसए. रिवर मिसिसिपी किसे ड्रेन करेगा? दी अपर पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ यूएसए. यूएसए का पार्ट जो है वो रिवर मिसिसिपी ड्रेन करेगा. तो आंसर यहां पे कनाडा नहीं होके आंसर यहां पे हो जाएगा यूएसए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. तो एक बार स्क्रीन पे दिखा दिया जाए हमारा सही आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज इट ड्रेन्स द यूएसए, ठीक है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उस रिवर का नाम लिखिएगा, अगर प्रेरीज को, अगर प्रेरीज का, ठीक है, दिस रीजन ऑफ प्रेरीज, अगर इसके यूएसए के पार्ट को मिसिसिपी ड्रेन करता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्रेरीज यूएसए में अगर मिसिसिपी ड्रेन करता है तो कनाडा में कौन सा रिवर होना चाहिए? दिस इज माई क्वेश्चन. जितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कल के क्लास, आज के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कल मैं सबसे पहले उनका नाम स्क्रीन पे दिखाऊंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन. दिस रिवर इज नॉट दैट फेमस, अमेजन की तरह फेमस नहीं है, मिसिसिपी की तरह फेमस नहीं है, तो ये कौन सा रिवर है? इसको सिर्फ पढ़ा होगा आपने तभी आपको पता होगा, ओके? ठीक है. शुहादीप दास यूएसए, उसके कनाडा, ठीक है, इन दैट केस, ठीक. फिर उसके बाद वापस यूएसए, यूएसए, इसमें अगर मुझे बनाना हो एक बॉक्स में, यूएसए कनाडा फिर वापस यूएसए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब आते हैं, मैम आपको रोज फेसबुक पर मैसेज करती हूँ बट आप रिप्लाई नहीं करते, आई रियली नहीं. रिया अरोरा, सी इट इज डिफिकल्ट टू ओपन फेसबुक पे बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग मैसेंजर, इसलिए थोड़ा सा आपका दिक्कत होता है. सो इफ यू मेल मी ना antara.bhuyan@2247.com, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है, तब मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रंकेन्सबर्ग. अब कोई आइडिया नहीं, नाउ यू आर क्लूलेस. ड्रंकेन्सबर्ग माउंटेन्स आर टू द वेस्ट ऑफ, अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को मैं आंसर कैसे करूँ? वॉट इज ड्रंकेन्सबर्ग? याद कीजिए, महात्मा गांधी जी को जब उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था एंड ही वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, तो महात्मा गांधी जी को सेंट पीटर्सबर्ग में बोला कि आप भाई साहब ट्रेन से उतर जाइए, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. अब ड्रंकेन्सबर्ग और पीटर्सबर्ग थोड़ा भाई बहन लग रहे हैं क्या जगह का नाम से? यस और नो, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अगर यस है, अगर यस है तो पीटर्सबर्ग कहां पे था? अगर ड्रंकेन्सबर्ग एंड पीटर्सबर्ग आर भाई बहन, देन गांधी जी के साथ दैट इवेंट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका. सो यहां पे दो कंसेप्ट लगेगा, एक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका तो ऑप्शन में ही नहीं है. नाउ यू हैव टू नो साउथ अफ्रीका में क्या है, प्रेरीज है, वेल्स है या फिर पैम्पस है. तो इस डायग्राम को देखिए और बताइए साउथ अफ्रीका में क्या है. यस, यू रिमेंबर राइट, जोहानिसबर्ग, बिल्कुल सही. तो आंसर क्या हो जाएगा, वेल. सुजीत कुमार, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज वेल्स. कहां पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, एकदम बॉटम पार्ट में देखिएगा, देयर यू विल फाइंड इट, वेल्स, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मरीनो इज अ स्पीसीज ऑफ, मरीनो किस चीज का स्पीसीज है? क्लूलेस है ना, मरीनो, मरीनो ये किस चीज का स्पीसीज है? मछली का है, एलिफेंट का है या फिर शिप का है? मैं आपको एक हिंट देती हूँ,
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट ग्रासलैंड्स. और अगर मैं ग्रासलैंड्स चैप्टर को पढ़ रही हूँ, इफ आई एम स्टडिंग ग्रासलैंड्स, द फर्स्ट थिंग आई शुड हैव इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर. नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पस, यूरेशिया स्टेपीज, साउथ अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डॉन्स. तो मैं अभी ग्रासलैंड्स पढ़ रही हूँ एंड आई हैव टू नो मरीनो. ग्रासलैंड्स के बीच फिश आ जाना थोड़ा दिक्कत है. ग्रासलैंड्स में तो ट्रीज कम है, बारिश कम है, सो थोड़ा दिक्कत है. अच्छा, ग्रासलैंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हाँ, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर देयर, देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो देयर. एलिफेंट्स या फिर शिप, क्या लग रहा है ग्रास खाने वाला इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा पनपेगा? शिप है देवती शुक्ला, नमी नमी, बिल्कुल शिप शिप. सो फिश तो नहीं है ये, तो उसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया है ना. सो इट इज अ टाइप ऑफ शिप जिसका फर, जिसका आपका इसका जो फर होता है ना, दैट इज रियली वेरी हॉट. जैसे पश्मीना होता है, आपको दिखेगा तो एक पतला सा चादर, बट इतना गर्मी होता है उस चादर में, यू डू नॉट हैव टू यू नो वेयर अ स्वेटर ऑन टॉप ऑफ दैट पश्मीना शॉल. उसी तरीके से मरीनो ये शिप है और इसका भी जो वुल होता है दैट इज रियली वेरी हॉट काइंड ऑफ अ वुल. और एक यू नो चादर विल बी, नॉर्मली वो कोट्स बनाते हैं इसका, है ना, फर वाला हैवी कोट्स. जैसे पश्मीना शॉल्स, इसके कोट्स आर फेमस. ओके, सो इट्स अ टाइप ऑफ शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्लास 7 पढ़ रहे हैं हम लोग, रिमेंबर दैट. सी हो जाएगा, दैट इज शिप हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. किम्बर्सले, सुना होगा ना, पानी के बॉटल में भी सुना होगा. किम्बर्सले इज फेमस फॉर, किम्बर्सले किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए, सिल्वर के लिए, या फिर प्लैटिनम के लिए? और जितने लोगों को आंसर पता है, अगेन चैप्टर ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये सोचिए किम्बर्सले है कहां पे, किम्बर्सले कहां पे है. ट्राई टू फाइंड दिस आउट एंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. ये कहां पे है? बहुत फेमस माइन है, ठीक है, लेट मी टेल यू माइन है. तो माइन के साथ जोड़िए कि ये कहां से है. वेरी गुड शुभदीप, ज्योति, उमेश, श्रुति, सबने एक साथ लगातार सही आंसर दिया है. हीरा के लिए है, डायमंड के लिए है, ठीक है. इंडिया में, मध्य प्रदेश में, कैन यू टेल मी, बहुत फेमस जगह, मोस्ट फेमस जगह इंडिया में, मध्य प्रदेश में, जल्दी बताइएगा. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायमंड, बिल्कुल सही. सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश, गाना भी है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए. फर्स्ट विल राइट द करेक्ट आंसर. गाने में छुपा हुआ है कई नाम. पन्ना, ज्योति शर्मा, सबसे पहले इन्होंने लिखा है पन्ना इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश विच इज फेमस फॉर डायमंड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग, है ना, मतलब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पहुंच जाएंगे. बट उससे पहले इस मैच द फॉलोइंग को सबने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है. काउबॉयज, ये क्या होता है? काउबॉय आपने देखा होगा लेदर पेंट्स पहन के, एक हैट ऊपर लगा के, सो दोज पीपल आर नोन एज, फिर बूट्स भी पहनते हैं, सो दोज आर काउबॉयज. जैसे हमारे यहाँ पे भेड़ चढ़ाने वाले, बकरी चढ़ाने वाले होते हैं, गाय चढ़ाने वाले होते हैं, वैसे उसी तरीके से काउबॉयज वहां के गाय चढ़ाने वाले है ना. यू कैन यू नो थिंक. अब ये कहाँ होंगे? आयरन एंड स्टील बिल्कुल नहीं हो सकता. प्रेरीज, अच्छा घास खाने के लिए, प्रेरीज आर ग्रासलैंड्स, राइट, टॉपिक इज ग्रासलैंड्स, प्रेरीज आर ग्रासलैंड्स, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे मिल रहा है. तो मैं क्या करती हूँ, नंबर 1 काउबॉयज बी के साथ लगा देती हूँ, दैट इज प्रेरीज. अब प्रेरीज क्या था, या इसका मतलब यूएस में, इसका मतलब यूएस में जो गाय चढ़ाने जाते हैं उनको हम काउबॉय बोलते हैं, ठीक. अब गोल्ड का इंपॉर्टेंट माइन, गोल्ड का इंपॉर्टेंट माइन इसमें से कौन सा है गोल्ड के लिए? अच्छा वेल्ड भी हो सकता था, बिकॉज वेल्ड इज ऑल्सो ग्रासलैंड, बट वेल्ड क्यों नहीं है? वेल्ड साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हम काउबॉयज नहीं बोलते, ठीक है. ओके, कमिंग टू गोल्ड, अब गोल्ड कहां पाया जाएगा? आयरन एंड स्टील, प्रेरीज, हॉट विंड, वेल्स, एनिमल, या फिर जोहानिसबर्ग, कहां पाया जाएगा गोल्ड? इनमें से कहां पाया जाएगा? बट ऑब्वियस है गोल्ड कहां पाया जाएगा, टेल मी. जोहानिसबर्ग, 2 का सत्यम पाल, बिल्कुल सही, गोल्ड आपका जोहानिसबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका. सो 2 के साथ मैंने यहां पे लिख दिया ई, दैट इज गोल्ड के लिए जोहानिसबर्ग. व्हाट इज कुडू? एनीबडी हैज एनी आइडिया कुडू क्या है? व्हाट इज कुडू, कोई बोल सकता है?
यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि सलमान खान डियर वाला केस, कुडू इज ऑल्सो टाइप ऑफ जो डियर जैसा देखने वाला, जैसे हम लोग एंटीलोप कहते हैं, उसके सींग होते हैं. सो कुडू भी एक सींगों वाला जानवर है. इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अ डियर. इसको हम लोग एंटीलोप इसलिए कहते हैं, उसके पास आपका सींग भी होता है. ठीक है, सो दैट इज कुडू, एन एनिमल बेसिकली, है ना. सो नंबर थ्री, दैट इज कुडू इज एन एनिमल. इसको मैं एफ के साथ लगा देती हूँ. अच्छा, ये एक एक क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकता था. व्हाट इज कुडू? इट इज प्रेरीज, इट इज वेल्ड, इट इज एनिमल. तो आंसर होता कुडू इज एन एनिमल. चिनूक क्या है? चिनूक आर, आप याद कीजिए, एसएससी में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वो कौन से विंड्स है जिसके चलने से बर्फ को वो जमे रहने नहीं देता है, बर्फ साफ हो जाता है. रिजल्ट, देयर इज एनफ ऑफ ग्रास फॉर द कैटल्स. क्योंकि चिनूक है तो वो बर्फ को पिघला देगा या फिर बर्फ जमने ही नहीं देगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्रासलैंड्स खुले रहेंगे और वहां पे गाय, भैंस, बकरी आप सबको चढ़ा सकते हो. राइट, सो दिस विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर हॉट विंड्स. ठीक है, सो चिनूक इज हॉट विंड. कहाँ पे? सी, चिनूक इज अ टाइप ऑफ हॉट विंड. ठीक, अगेन लास्ट वन इज योर कोयला. कोयला आयरन एंड स्टील, हाँ ठीक है, हो सकता था. प्रेरिस नहीं हो सकता है. वेल्स, जोहनिसबर्ग या फिर एनिमिलिया. सिर्फ फाइव आपको बताना है, एनीबडी जो फाइव के लिए सही आंसर बताएगा. फोर का सी, हाँ फोर का सी हो गया, हॉट विंड. बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले कौन बताएगा? फॉर द लास्ट वन, फाइव के साथ क्या होगा? फाइव के साथ द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पर्सन हु विल आंसर दिस सबसे पहले. आर्मी हेलीकॉप्टर ऑल्सो नेम दिस चिनुक. कोल वेल्स में, कोल साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सही. सो फाइव के साथ देखिए दो चीजें हो सकता है. एक कोयला इज बिकॉज अगर यू विल गो टू वेल्स, यू विल गो टू साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में मैं कोयला करूंगी, मैं कोयला साउथ अफ्रीका में करूंगी, या फिर गोल्ड. गोल्ड इज लुकिंग मोर प्रिसाइज, राइट. सो गोल्ड इज लुकिंग मोर प्रिसाइज विथ साउथ अफ्रीका. तो फिर यहाँ पे कोल को हम, कोल प्लांट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो यहाँ पे लेट अस डू इट एज ए. ठीक है, और मॉडर्न डे जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें यू विल हैव एग्जैक्ट प्रिसाइज वाला, है ना. आपके पास दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं रहेंगे मॉडर्न डेज वाले में. सो यू आर सेफ देयर, है ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदी में एक बार स्क्रीन में दिखा दिया जाए. सो यहाँ पे सेम चीज आपका हिंदी में भी है. सो यू कैन पॉज इट और आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? दिस इज योर चैप्टर नंबर 10. 8-9 हो गया, अब ये हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 पे. और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सहारा जो है वो कहाँ पे है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट डेजर्ट. ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स इन दी एंटायर वर्ल्ड. जैसे लास्ट वाला क्या था, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, दिस चैप्टर इज योर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, ओके, अटकी टॉर्च की फ्लो करती हूँ. एयर अर्थ टच करके फ्लो करती है. अच्छा, एयर अर्थ को टच करके फ्लो करती है. ओके, सो आई कैन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, कहाँ पे होगा सहारा डेजर्ट? कहाँ पे? अगर मैप में दोबारा चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, और उसके बाद इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया. नाउ कमिंग टू द अफ्रीकन रीजन, ईस्ट में, नॉर्थ में कि वेस्ट में, कहाँ पे है? साउथ तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है. सो इट इज बेसिकली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. तो जितने लोग यहाँ पे नॉर्दर्न लिख रहे हैं, ऑल दोज आंसर्स आर करेक्ट हियर. इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट, दैट इज आंसर इज बी, नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है, साउथ में क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड्स, तो इसलिए वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ अ डेजर्ट? डेजर्ट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो DESS वाला, इसका मतलब स्वीट डिश हो गया, है ना, मिठाई हो गया, एक्सेट्रा. और एक DESERT वाला, इसका मतलब मरुभूमि या फिर मरुस्थल हो गया. इट कैन बी कोल्ड एज वेल इज हॉट. कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, हॉट डेजर्ट हो सकता है. आपको पता है दिस सहारा डेजर्ट इनिशियली क्या ये हमेशा से डेजर्ट था? कोई बताएगा हाँ या ना? येस फॉर वाई, एन फॉर नो. नो के लिए एन और येस के लिए येस. ये बताइए,
क्या सहारा डेजर्ट हमेशा से डेजर्ट था? यस और नो, वाई और एन? जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही, वाई और एन, हमेशा से ये डेजर्ट नहीं था। तो जितने लोग यहाँ पे एन लिख रहे हैं, इट इज करेक्ट, ये हमेशा से डेजर्ट नहीं था। इनिशियली यहाँ भी हरियाली हुआ करता था, इतना ज्यादा हरियाली दैट इवन फिश बोन्स हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे मछली के कांटे मिले हैं और हमें प्रूफ भी मिला है दैट इनिशियली इट कुड हैव बीन एक नॉर्मल हरा भरा एनवायरमेंट विथ पॉन्ड्स, जहाँ पे मछली वछली भी पाए जाते हो, है ना। बट बाद में वॉट एवर इज द रीजन, आज के डेट में ये डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल ड्रास हो गया, जो इंडिया में दिस इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, पूरे दुनिया में ठंडी जगह में इंसान रहते हैं। सो दिस इज ड्रास इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस विथ ह्यूमन हैबिटेशन। ठंडा है पर फिर भी लोग रहते, क्या करें, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम लोग, है ना। एंड इफ यू टॉक अबाउट हॉट डेजर्ट्स, देन सहारा इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट्स एंड इट इज अ हॉट डेजर्ट। वाई सहारा? बिकॉज इट इज द बिगेस्ट, या फिर आप कहो लार्जेस्ट, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब दिखा दिया जाए करेक्ट आंसर। अच्छा करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा इसमें, हॉट, दैट इज बी, हॉट डेजर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहैबिटेड बाई, अब ये क्वेश्चन अटपटा लग सकता है बट क्यों पूछा गया होगा, लेट मी टेल यू। एशिया में, इंडिया के केस में अगर आप ऊपर के पार्ट में चले जाओगे, यू विल फाइंड द लद्दाख डेजर्ट, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। वो दो वर्ड कौन सा है? ल प्लस दख। नथुला, शिपकीला, जोजीला, ला का मतलब क्या हो गया? पास, माउंटेन्स के बीच का पास। सो ला मीन्स पास, ठीक है, और दाख मीन्स देश, कंट्री, है ना, या फिर हमारा जमीन, हमारा देश, हमारा कंट्री। सो दैट इज योर दाख, सो दैट इज योर लद्दाख। अब आप याद कीजिए, इन वन ऑफ द एनसीईआरटीज आई टोल्ड यू अबाउट डाइवर्सिटी में बताया था आपको कि एक फॉर्म ऑफ आपका, जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत है, रामायण है, देर इज एन एपिक, जैसे इंडिया के केस में, हमारे केस में क्या है, महाभारत है, रामायण है, उसी तरीके से एक टिब्बेटियन एपिक है जिसे इंडिया में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स साथ मिलके पढ़ते हैं या फिर गाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एपिक? ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज का क्वेश्चन नंबर टू है ये। क्वेश्चन नंबर वन क्या था याद कीजिए, जो कनाडा से नदी कौन सा आपका जा रहा था, ओके, थ्रू द प्रेरीज ऑफ कनाडा, थ्रू द ग्रासलैंड्स ऑफ कनाडा कौन सा नदी आपका जा रहा था। टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिक विच इज अ टिब्बेटियन एपिक, बट इंडिया में इन द रीजन ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स साथ मिलके पढ़ते, बिकॉज दिस इज अ रीजन जहाँ पे, येस अजय काडिया बिल्कुल सही, इन दिस रीजन मेन इनहैबिटेंट्स आर बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, ठीक है। एपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज बाई, डेजर्ट्स जो होते हैं वो हमने देखा कि कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, बट वॉट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेजर्ट, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है? हैवी प्रेसिपिटेशन, यानी कि बहुत भारी वर्षा, ठीक है, स्केंटी वेजिटेशन, विरल वनस्पति, यानी कि दूर दूर कहीं कहीं थोड़ा बहुत वनस्पति है, अगर ओएसएस मिल गया तो चलो, थोड़ा बहुत पानी मिल गया तो थोड़ा बहुत वहां पे डेट पाम्स वगैरह उग गया, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, है ना, कैक्टस ही उगेगा और क्या। लो इवेपोरेशन, अगर हीट, मान लो कोई वाटर बॉडी है भी, है ना, या फिर कोई प्लांट है, या फिर कोई एनिमल बॉडी है, जहां जहां से भी इवेपोरेशन हो सकता है वहां वहां से इवेपोरेशन होगा, राइट, वहां पे आपको नॉर्मली थिन लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, सो वहां पे इवेपोरेशन होगा। सो दिस इज लो इवेपोरेशन, नहीं यहाँ पे हाई इवेपोरेशन होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन नहीं, यहाँ पे वेरी लेस प्रेसिपिटेशन, वेरी लेस रेनफॉल होता है। हालांकि रिमेंबर, अगर डेजर्ट में इतना लेस रेनफॉल होता है, राजस्थान में इतने बड़े बड़े पुल बांधने का क्या जरूरत है? द रीजन बीइंग, ऊपर वाला जब बारिश देगा इधर, सो देयर विल बी वेरी हैवी रेनफॉल्स, वेरी हैवी रेनफॉल्स, तो इसीलिए आपको पुल बनाना पड़ता है, नहीं तो बाढ़ आ जाएगा,
ठीक है, विच इज वेरी वेरी रेयर, बहुत कम होता है बट हो सकता है. सो वॉट इज द आंसर? स्केंटी वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होता है. स्केंटी मीन्स विरल, बहुत कम, है ना, इधर उधर बिखरा हुआ थोड़ा बहुत. ठीक है, लाइक जेरोफाइट्स, ओके, जिसको गर्मी पसंद है वो लोग. ठीक है, ड्राई वेजिटेशन को जेरोफाइट्स बोलते हैं. बिल्कुल सही, किसने बताया ये बात? अजया काडिया, बिल्कुल सही. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज स्केंटी वेजिटेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हेमिस इन द लद्दाख इज अ फेमस, हेमिस लद्दाख में एक फेमस क्या है? एक फेमस मंदिर है, एक फेमस चर्च है, या फिर एक फेमस मोनेस्ट्री है? लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? दिस इज मेनली इनहैबिटेड बाय द बुद्धिस्ट एंड द मुस्लिम्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता होना चाहिए लास्ट क्वेश्चन से जोड़ के. तो लास्ट क्वेश्चन से जोड़ के इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए कि हेमिस आपका क्या है. व्हाट इज दिस? सबसे पहला सही आंसर क्या होने देगा? मोनेस्ट्री. वेरी गुड. सो हेमिस लेह में, लेह में एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री है और इस नाम का एक बहुत फेमस विलेज भी है. सो दिस इज द नेम ऑफ अ विलेज और वो विलेज फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पे आपका हेमिस मोनेस्ट्री है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज योर हेमिस मोनेस्ट्री. कहाँ है? लेह में है, लद्दाख में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, मिस्र निम्नलिखित फसल में से किसे उत्पन्न करने के लिए फेमस है? वीट या फिर गेहूं के लिए, मेज या फिर मक्के के लिए यूएस फेमस है, कॉटन के लिए? तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इजिप्ट इसमें से कौन सा उगाता है, किसके लिए फेमस है? नेशनल पार्क भी है, बिल्कुल सही, नेशनल पार्क भी है. सबसे पहले राहुल वर्मा ने आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर सी, कॉटन. शुभदीप दास, कॉटन, बिल्कुल सही. तो जितने लोग यहाँ पे कॉटन लिख रहे हैं, इजिप्ट इज वेरी फेमस फॉर योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉटन के लिए. ठीक है, अब हड़प्पा में चले जाओगे तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड भी हम लोग का एग्जिस्ट करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अब ये है आपका एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जिसे देख के कुछ लोग भाग जाते हैं पर भागना नहीं है. मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करना है, तो एक एक करके करते हैं. सबसे पहले आप लोग ओएसिस के लिए बताइए. नंबर वन, दैट इज ओएसिस लिबिया, ओएसिस मोनेस्ट्री नहीं, ओएसिस ग्लेशियर नहीं, डिप्रेशन विथ वाटर. ओएसिस बनता कैसे है? मान लीजिए यहाँ पे आपका एक सैंड्यून था. इन केस ऑफ डेजर्ट्स यू हैव सैंड ड्यून्स, सैंड का इकट्ठा हो जाना एक जगह पे बिकॉज ऑफ विंड्स एक्सेट्रा. आफ्टर अ टाइम यहाँ से विंड ब्लो हुआ, मे बी एक रात में ये हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सैंड ड्यून यहाँ शिफ्ट हो गया. वॉट विल हैपन इन दिस प्लेस? ये सब तो चले गए उधर, तो यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन गया. नाउ इमेजिन इन दिस केस ये जो ग्राउंड वाटर था ये सरफेस में आ गया, सरफेस में यहाँ पे वाटर आ गया, रिजल्ट दिस पार्ट विल बी योर वाटर. फिर वाटर देख के धीरे धीरे यहाँ पे डेट का प्लांट वगैरह, खजूर वगैरह ये सब भी उगने लगे, थोड़ा बहुत वेजिटेशन होने लगा. सो दिस इज बेसिकली डिप्रेशन विथ वाटर, दैट इज योर डी. वन के साथ डी, कितने लोगों को मिल गया? वन के साथ डी, वेरी गुड मिंटू कुमार, वन के साथ डी. ठीक है, अब टू के साथ देखते हैं. बेडोविंस, हु आर बेडोविंस? बेडोविंस क्या है बेसिकली, है ना? बेडोविंस कोल्ड डेजर्ट है, कुछ लोगों ने लिखा है ई में कोल्ड डेजर्ट दिया है तो ई नहीं है. टू के साथ कुछ लोगों ने एफ लिखा है यानी कि सहारा, ठीक है देखते हैं इसको. और टू के साथ किसी ने लिखा है एफ, ठीक है तो एफ लिखा है और ई लिखा है. देखिए बेडोविंस इज नॉट कोल्ड डेजर्ट, लिबिया मोनेस्ट्री ग्लेशियर कोल्ड डेजर्ट या फिर सहारा. सहारा डेजर्ट में बेडोविंस इज अ ट्राइब, ठीक है, इज अ ट्राइब जो पहले कैटल रेयरिंग वगैरह सिर्फ करते थे. नाउ दे हेल्प पीपल टू फाइंड द लोकेशंस कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, ये फाइंड आउट करने में उनका मदद करते हैं. तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सहारा. सो टू के साथ योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर एफ. ठीक है,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नंबर थ्री, ऑयल। ऑयल कहाँ पे आपका पाया जाता है? सहारा में, कोल्ड डेजर्ट में, ग्लेशियर में, मोनेस्ट्रीज में या फिर लिबिया में? ऑयल के लिए कौन सा फेमस है? थ्री के साथ क्या होगा? सबसे पहले कौन बताएगा थ्री के साथ क्या होगा? विथ थ्री, लिबिया, ऑयल, मोनेस्ट्री? नहीं, सो द करेक्ट आंसर ऑयल। शुभदीप दास ने सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ऑयल के साथ लिबिया, दैट इज थ्री के साथ हो जाएगा मेरा ए। अब ये गंगरी या फिर आपका गंगोत्री, दीज आर बेसिकली ग्लेशियर। वो क्या है? ग्लेशियर है। तो फोर के साथ क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ग्लेशियर। एंड नंबर फाइव, अभी अभी आपने देखा था ना कि हेमिस नाम का एक मोनेस्ट्री था। सिमिलरली लामायुरु इज ऑल्सो, लामा लामा वर्ड को पकड़िए, लामा यूरू। तो लामा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? लामा यूरू, इसको ब्रेक डाउन करके कैन यू टेल मी लामा क्या हो जाएगा? लामा हिंदी में अभी दिखा रहे हैं आपको मुस्तकिन, अभी आ रहा है हिंदी में भी। फोर का क्या हो जाएगा? फोर का सी, ग्लेशियर हो गया। फाइव का लामा को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको याद करना है और वहां से क्या हो जाएगा? मोनेस्ट्री। ठीक है, सो फाइव के साथ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोनेस्ट्री। अब दिखा दीजिए एक बार हिंदी में भी क्वेश्चंस को दिखा दीजिए। ठीक है, सो यू हैव दिस सेट ऑफ आंसर्स फॉर दिस सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके ओके, बदायूं याद रखिएगा, व्हाट इज बदायूं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक, ओके, सो आई होप इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 8, 9, 10 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर आपको समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स, तो सेशन को लाइक जरूर करना एंड इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू डू दिस सेशंस। ओके, कमेंट करके मुझे अभी एज सुन एज पॉसिबल बताइएगा कि हमने क्लास 7 का हिस्ट्री कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू नेक्स्ट, साइंस करें कि पॉलिटी करें? ठीक है, क्लास 7 का नेक्स्ट कौन सा करें, या आप मुझे कमेंट करके बताना, कल हम लोग वही करेंगे। लेकिन अभी कमेंट करना है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और जाते जाते लाइक करके जाना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज 24/7 Adda247 में वी प्रोवाइड यू विथ फ्री क्लासेस। ठीक है, सो दैट इज वाई सब्सक्राइब जरूर करना और सभी क्लासेस का लाभ जरूर उठाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आई कैन सी साइंस, साइंस बहुत लोग लिख रहे हैं, सो लॉट ऑफ यू आर राइटिंग फॉर साइंस नेक्स्ट। ओके चलो, और कुछ लोग पॉलिटी भी लिख रहे हैं। ओके चलो, सो आई टेक इट अप फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड दो क्वेश्चन का आंसर करना है, कैनेडा वाला और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था, द नंबर टू, यू रिमेंबर, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, द सेम क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ठीक, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।